जिला वैदिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन तहसील सभागार में किया गया, जिसे प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान, नायब तहसीलदार संजीव दीक्षित सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शासन की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके कारण गांव में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है, मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। ऐसे ही मामलों का विधिक सेवा प्राधिकरण सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण करती है और उचित न्यायिक सलाह भी देती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी किसी भी न्यायिक समस्या के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आकर परामर्श ले सकते हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नायब तहसीलदार संजीव दीक्षित और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने बताया। नाली का विवाद, छज्जे का विवाद, छोटे छोटे मामले और उसको न्यायालयों में आप ले आते हैं, पता चला 200 साल मुकदमा चल रहा है। यही तो स्थिति है। न्यायालय का भी अपने एक क्षेत्राधिकार है, वो उसी के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे भी मामले हैं जो बिना वजह न्यायालयों में पड़े हुए हैं। कोई विवाद हो गया, कोई आपस में मारापीटी हो गया, उसके भी मामले चल रहे हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मामले चल रहे हैं, इसको सुलह समझौते के द्वारा हमारे वहाँ हम कराया जाता है। एक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में और उत्तर प्रदेश सरकार और रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी में एग्रीमेंट है, सरकार अपना प्रीमियम जमा कर देती है साल भर पहले अगले वित्तीय वर्ष के लिए, और वो कंपनी आपको 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। अगर आपकी किसी भी कमाई 18 से 59 वर्ष के बीच के व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है और वो पारिवारिक कमाऊ सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में उसको बीमा कंपनी 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है, अभी जो सीन बन रहा है, भविष्यवाणियाँ भी ऐसी हो रही हैं, सूखा राहत। एक गांव की बहुत सी ऐसी गरीब जनता है जिनको अपने मुकदमे की कोई जानकारी नहीं होती है, उनके विरुद्ध या उनके पक्ष में कोई मुकदमे हो जाते हैं लेकिन उनके पास पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता नहीं होता है। तो हम ऐसे लोगों के लिए अपनी ओर से विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल लॉयर्स जो हमारे हैं उनको नियुक्त करते हैं, वो उनको विधिक सहायता प्रदान करते हैं। विधिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ ही हमारे मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि आपके जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, क्या उनमें संभावना है कि वो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से मामले जो आजकल गांव में हैं, नाली के, रास्ते के, खेत के, जो है घेरबंदी के, बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ नाक के मामले कहे जाते हैं, प्रतिष्ठा के मामले, उसमें उनका कोई इतना हित, इतना आर्थिक नुकसान नहीं होता है जितना न्यायालय में अपना समय और पैसा वो लगाकर खर्च कर देते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि उनका जो है मध्यस्थता के माध्यम से, उनका जो मीडिएशन के माध्यम से उनके मामलों को सुना जाए और एक अमिकेबल सल्यूशन जो दोनों पक्षों को जो है स्वीकार हो, इस तरीके से उनका निस्तारण किया जा सके। ये सारे प्रयास हमारे इसलिए रहते हैं कि हमारे हाथ में भी ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। इसी तरह समाज में भी विभिन्न तबके हैं, विभिन्न वर्ग हैं, कुछ बहुत ही एजुकेटेड हैं, कुछ बिल्कुल निर्धन हैं, गरीब हैं, उनके पास ना तो कोई एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है, ना तो उनके पास इतना पैसा है कि वो जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ना तो उनके पास अच्छे स्वास्थ्य का कोई जो है उपाय है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं, ऐसे लोगों को भी उनकी मदद करने के लिए ये जो हमें जो है विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन किया गया है, क्योंकि ये जो है ये हमारे संविधान की भी जो यही इच्छा है कि जो सरकार जो है ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे जो है समाज का वो तबका जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको जो है उसके लाभ, उसके अधिकार उसको दिए जा सके। जो ये आज का प्रोग्राम रखा गया है इसीलिए रखा गया है कि आप लोग डिफरेंट जो भी इंदिरा गांधी आवास योजना हो या मनरेगा हो, इससे संबंधित आप लोग
जो भी आपको जो परेशानियां हो, अगर आप उसके उसके बारे में आप एलिजिबल हैं, आपको मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, तो सक्षम जो प्राधिकारी है आप लेकिन पहले करें, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, वहाँ से आपकी कोई मदद नहीं हो पाती है, तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण को संपर्क करिए। तहसील स्तर पर जो भी लोक हितकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं, जैसे PMJJBY एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या आपदा में जो सहायता तहसील स्तर से उपलब्ध कराई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो विधिक साक्षरता शिविर में आदरणीय सर यहाँ उपस्थित थे, उनके माध्यम से आम जनता को ये बात बताई गई कि किस तरह से वो अपने हित के हितार्थ अपने आवेदन और उनका हक जो है वो उनको उपलब्ध कराया जा सके। ये आज के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनके गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और डिफरेंट लेजिस्लेशन पारित किए गए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, उनका लाभ उनको किस प्रकार से प्राप्त कराया जा सकता है और उसमें हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील जो समिति है उसका क्या रोल हो सकता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जिससे हम आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकें और जो ये लेजिस्लेशन जितने भी हैं उनके अधिकार हैं जो जो उसके पात्र हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसमें अगर कोई अड़चन आती है तो उसकी सेवा उसकी सहायता करने के लिए हम यहाँ उपलब्ध हैं।